ग्वालियर में नशे में धुत एक महिला और कुछ युवकों ने हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला समेत कुछ लोग स्मैक का नशा कर रहे थे, तभी किसी बात को लेकर इन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया और झगड़े में एक युवक को लहूलुहान कर दिया गया। ग्वालियर के फूलबाग स्थित चिड़ियाघर के सामने नशे में धुत एक महिला और उसके साथ मौजूद युवकों ने करीब एक घंटे तक हंगामा किया, जिसमें एक युवक को चेहरे पर पत्थर मारकर बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया गया, जिससे उसकी नाक में फ्रैक्चर हो गया। युवक का कहना है कि महिला के साथ मौजूद कुछ लोगों ने उसके 22,000 रुपए भी लूटे हैं। दरअसल एक महिला और उसके साथ मौजूद कुछ लोग इटालियन गार्डन में स्मैक आदि का नशा कर रहे थे। इसी दौरान वहां ईशान अली नामक युवक मोटरसाइकिल से पहुंचा। युवक का कहना है कि वह इन लोगों के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराने पहुंचा था। उधर महिला का कहना है कि ईशान भी उनके साथ स्मैक पी रहा था। महिला ने रुपए लूटने की घटना से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस के आने के बाद भी ये लोग झगड़ते रहे। पड़ाव पुलिस ने चारों को हिरासत में ले लिया है। तो मैंने देखा इधर लड़ाई हो रही है, तो 12 कुट्टी हो रही थी, चूपी धक्का धुक्की, तो मैंने यह गाड़ी लगाई। मैंने उनसे बोला क्यों हो गया, तो गीता ने मुझसे कैसे धक्का करके मेरे से कहती तू मेरे को जानता है, मैं कत्ल करके बैठी हुई है। वो नाम बोल रही थी ना, मैंने कत्ल करा हुआ है, मेरा नाम गीता, मैं कत्ल कर चुकी। और उसके साथ वाले ने ज़्यादा मारा, मेरे मुँह में खंडे मारे उसने, और मेरे पीछे दरवाजा टूट गया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।